हेलो स्टूडेंट्स आई एम नरेश कुमार गोड मैथ्स फैकल्टी एट डेजोनेंस ओके टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज द प्रोबेबिलिटी ओके सो द प्रोबेबिलिटी मींस ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज द चांस और अ पॉसिबिलिटी ओके कोई भी इवन आपके इवेंट आपके पास हैपन होगा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है मींस इसकी पॉसिबिलिटी क्या है या इसके कितने परसेंटेज चांस है क्या चांसेस है? चांस है? चांस है क्लियर है सो so, प्रोलिटी को स्टार्ट करने से पहले इस पे कुछ टर्म्स हैं उन टर्म्स को रीड करते हैं जस्ट लाइक एट ईयर वी विल रीड अबाउट द एक्सपेरिमेंट एक वर्ड यहां पर आएगा आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट यहां पर वर्ड आता है आपके पास एक्सपेरिमेंट ठीक है एक्सपेरिमेंट का मतलब है वर्ड एक्सपेरिमेंट इसका मीन एक ऑपरेशन क्लियर है ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस वेल डिफाइंड आउटकम्स आउटकम्स का मतलब आप समझ सकते हो रिजल्ट क्लियर है मीन एक ऑपरेशन है जो क्या कर सकता है आप वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स मीन जिसको आप क्या कर सको हो डिफ्रेंशिएट कर सको अलग अलग ठीक है

अंडर आइडेंटिकल कंडीशन अगर कंडीशन आप सेम रखते हो तो प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट्स उनके जो रिजल्ट्स होंगे दे ऑलवेज विल बी सेम जस्ट लाइक आप बात करो केमिस्ट्री फिजिक्स इनके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनके लिए अगर आप कंडीशन सेम रखते हो जस्ट लाइक केमिस्ट्री में टेम्परेचर प्रेशर अगर आप नॉर्मल रखते हो ठीक है तो उनके जो रिजल्ट है उन पर जो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो दे गिव द सेम रिजल्ट इन ईच एंड एवरी कंडीशन इफ द कंडीशन इज आइडियल ओके तो अगर आप आइडियल कंडीशन रखते हो तो हमेशा क्या देंगे वो आपको सेम रिजल्ट देंगे सो दीस आर कॉल्ड द ओके प्रोबेबिलिस्टिक या रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा एक्सपेरिमेंट व्हेन रिपीट अंडर आइडेंटिकल कंडीशन जब आप कंडीशन सेम रखते हो आइडेंटिकल कंडीशन रखते हो तब भी डू नॉट प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट वो सेम रिजल्ट नहीं देंगे या ऐसा कोई आ, कंपलसरी नहीं है ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि वो आपको सेम रिजल्ट दे जस्ट लाइक like, एक डाइस है आपके पास डाइस को आप थ्रो कर रहे हो क्लियर है डाइस को आप थ्रो करते हो डाइस पर कितना आ सकता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स आउटकम्स आ सकते हैं जब आप उसको थ्रो करोगे तो वो आपको टू भी दे सकता है ठीक है अब देखिए वही सेम कंडीशन आपको रखना है वही उसी रूम में आपको रख, आ, को आर uh, रिपीट कर रहे हो या थ्रो कर रहे हो सेकंड टाइम सेम वही टेम्परेचर सेम वही प्रेशर रख रहे हो तब भी आपने जब उसको थ्रो किया तो इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि अगेन सेकंड कंडीशन में या सेम आइडेंटिकल कंडीशन में भी वो आपको क्या देगा टू ही देगा ठीक है सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड द प्रोबेबलिस्टिक और अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ओके जस्ट लाइक like एक रिजल्ट है आपके पास है इन टोसिंग को आप टोस करते हो वन इज नॉट श्योर तो ये श्योर sure नहीं है कि आपको हेड मिलेगा या फिर क्या मिलेगा टेल मिलेगा हर बार सेम कंडीशन रखने पर भी उसके दे मे बी ओके नेक्स्ट है okay? one, आपके पास सैंपल स्पेस या इसी को आप बोल सकते हो टोटल आउटकम्स ठीक है कोई भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो उसके कितने इवेंट्स होंगे या कितने उसके आउटकम्स होंगे पॉसिबल आउटकम्स द सेट ऑफ

कितने आउटकम्स uh, होंगे सिक्स आउटकम्स ओके इवेंट इवेंट क्या होगा अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद सबसे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्लियर है कॉल्ड एन इवेंट ये क्या होगा आपके पास इवेंट होगा फॉर एग्जाम्पल इन टॉसिंग अ डाइस डाइस को अगर आप थ्रो कर रहे हो तो एन इवन नंबर तो इवन नंबर जो गेट होगा दैट विल बी एन इवेंट ओके फेवरेबल इवेंट तो लेट एस बी अ सैंपल स्पेस एस आपके पास सैंपल स्पेस है तो एक कंडीशन देखिए, फेवरेबल इवेंट के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी तो उस पर्टिकुलर को कितनी उसके लिए या कितने outcomes उसको क्या कर रहे कर रहे रहे हैं, हैं, ओके? तो ये हो जाएगा आपके पास Clear है? देखिए, पेयर ऑफ डाइस मीन टू डाइस को आप थ्रो कर रहे हो ठीक है गेटिंग एट आपको क्या मिलना चाहिए एट इज टू डाइस को आप थ्रो कर रहे हो तो टू डाइस पर जो आपको नंबर अपटेन होगा

तो प्रोबेबिलिटी क्या आपके पास प्रोबेबिलिटी एक रिलेशन है या एक रेशियो है किसका फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स का ठीक है तो इसका फार्मूला आपके पास हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ये आप इसको बोल भी सकते हो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ओके सपोज m जो है वो क्या है आपके पास पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स है एंड टोटल आउटकम्स है तो प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए आपके पास क्या हो जाएगा एम बाई एन ध्यान रखना जो एम है इट शुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एन क्यों क्योंकि जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे आपके पास वो टोटल पॉसिबल आउटकम्स में से होंगे ठीक है तो मोस्ट ऑफ एम की वैल्यू क्या हो सकती है इक्वल हो सकती है बट ये कभी भी ग्रेटर नहीं होगा किससे एन से क्लियर है इसी के बेसिस पर आप बोल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी है ऑफ एन इवेंट किसी भी इवेंट के लिए जो प्रॉबलिटी है दैट शुड बी लाइ बिटवीन जीरो टू वन ओके मिनिमम इसकी जो प्रॉबलिटी हो, हो सकती है किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए वो जीरो हो सकती है ठीक है और मैक्सिमम अगर देखा जाए तो क्या हो सकती है वन ठीक है अब जीरो एंड वन कब होगी जीरो एंड वन ऐसे इवेंट के लिए होगा कि जैसे आपको पता है कि ये कंडीशन कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती हंड्रेड आप बोल सकते हो इट इज इम्पॉसिबल इवेंट तो इम्पॉसिबल इवेंट जो होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास जीरो होगी होगी ठीक है तो प्रोबेबिलिटी जीरो की जब called impossible event. Next, one कब जब ए इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट नेक्स्ट वन कब होगा जब आपको पता है कि हंड्रेड परसेंट यही इवेंट होने वाला है सो श्योर इवेंट जितने भी होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी वन और एक फॉर्मुला और है ए आपके पास कोई भी इवेंट है ठीक है ए आपके पास कोई भी इवेंट ए है क्लियर है ए बार क्या होगा नेगेशन ऑफ ए इवेंट है क्लियर है इवेंट ए में आपके पास जो भी कंडीशन है ये ए बार क्या होगा इसका नेगेशन जस्ट लाइक एक को आप थ्रो कर रहे हो इफ देयर इज अ कंडीशन देन इन इवेंट ई दैट गेट प्राइम नंबर क्लियर है सपोज ए इज द गेटिंग अ प्राइम नंबर सो ए बार विल से दैट गेटिंग नॉट अ प्राइम नंबर क्लियर है जस्ट क्या होगा रिवर्स होगा तो P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार इस टाइप से जो कंडीशन होगी उनका सम जो है दैट विल बी ऑलवेज वन ओके P ऑफ A प्रॉवर्टी ऑफ अक्रेंस ऑफ A और प्रॉवर्टी ऑफ नॉन अक्रेंस ऑफ A क्लियर है A के नहीं होने की प्रॉवर्टी आपके पास अब देखिए कुछ फिक्स्ड है जैसे डाइस कोइन या फिर प्ले कार्ड्स इनके लिए कुछ आउटकम फिक्स्ड है तो अगर आपको ये डायरेक्ट पता है तो इट में भी हेल्पफुल फॉर यू इन एग्जाम एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगे जस्ट लाइक इफ यू टॉक अबाउट द टोटल आउटकम वन कोइन कोइन आपके पास है तो कोइन में यहां पर एक फॉर्मूला अगर आपको याद रहे तो ये आप अप्लाई कर सकते हो टू पावर एन ओके कोइन के लिए टोटल आउटकम के लिए फॉर्मूला आपके पास ये टू पावर एन एट हीर एन इज द नंबर ऑफ कॉइन्स एन इज नंबर ऑफ कॉइन्स Throne. जितने कोइंस को आप थ्रो कर रहे हो उनके नंबर ऑफ कॉइन्स है ठीक है अगर आप एक कॉइन को थ्रो कर रहे हो तो टू पावर वन हो जाएगा टू कोइंस को अगर आप थ्रो कर रहे हो तो टू पावर टू हो जाएगा थ्री को सो टू पावर थ्री हो जाएगा ठीक है वन कॉइन आपके पास है वन कॉइन होंगे तो टोटल आउटकम आपके पास टू होंगे कौन कौन से होंगे हेड और टेल ठीक है एड हो सकता है आपके पास टेल हो सकता है टू कॉइंस आपके पास है सो टोटल आउटकम आपके पास कितने होंगे फोर क्लियर है four. Clear है क्या क्या कंडीशन बनती है? HH, HT, TH, और देखिए इनको आप लर्न करने के लिए ट्रिक बना सकते हो जैसे टू टिक्स की बात आए तो टू कॉइन्स आते हैं आपके ब्रेन में ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने होंगे फोर अब फोर के लिए देखिए कितने कॉइन है आपके पास फर्स्ट कॉइन है और यहाँ सेकेंड कॉइन है तो लास्ट में आप इनको अल्टरनेट लिख सकते हो इस टाइप से एच टी एच टी ओके okay? फोर आपको कंडीशन पता होनी चाहिए सेकंड में में क्या कर दो दो-दो दो-दो आप आप यहां पर अल्टरनेट अब के के ग्रुप चलाइए इसको क्लियर है सो थ्री कॉइन पावर थ्री आपके पास टोटल so आउटकम कितने हो जाएंगे इसके लिए एट कंडीशन हो जाएगी इसमें भी आप चाहें तो उस टाइप से लिख सकते हो उसके लिए एट कंडीशन आप बना सकते हो यहां से देखिए एट कंडीशन में कितने कोइंस हैं आपके पास वन टू थ्री क्लियर है अल्टरनेट चलेगा एच टी एच टी एच टी एच टी ओके ये आपके पास एट कंडीशन है सेकेंड कोइन के लिए अल्टरनेट चलेगा ये डबल एच टी एच एच टी एन टी यहां पर थर्ड में ये फोर फोर के ग्रुप में चलेंगे इस टाइप से ठीक है सो एच फोर टाइम देन टी फोर टाइम ओके तो ये एट कंडीशन आपके पास फॉर्म होती है ओके वेन यू डाइस सॉरी वेन यू थ्रो अ, वेन यू थ्रो थ्री कॉइंस ओके सो ये थ्री होंगे अगर मान लो सपोज इसके बाद फोर कॉइंस आपके पास आता है तो यहां पर आप एट एच इस टाइप से और अगेन आप इसमें ले सकते हो ठीक है तो ये आपके पास था अगर आपको डायरेक्ट पता होंगे कि ये आपके पास एट कंडीशन होगी तो ये इट विल इट मे बी हेल्पफुल फॉर यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फोर कोइन अगर आपके पास है तो यहां पर कितने आउटकम हो जाएंगे टोटल आउटकम ठीक है उसी टाइप से वन वन के ग्रुप में देन टू टू के ग्रुप में फोर देन आप एट एट के ग्रुप में ले सकते हो उसको नेक्स्ट वन देखिए डाइस डाइस की बात करें सो वन डाइस इन अ वन डाइस देयर आर सिक्स टोटल आउटकम वेन यू थ्रो अ डाइस रिजल्ट में बी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्लियर है देयर में बी सिक्स आउटकम्स ओके सो सिक्स विल बी टोटल आउटकम फॉर अ डाइस इज थ्रोन ओके नेक्स्ट इफ देयर आर टू डाइस दैट आर थ्रोन सो देर विल बी थर्टी सिक्स कंडीशन वन फर्स्ट डाइस पर वन अब टेन हुआ है तो सेकंड डाइस पर वन हो सकता है फर्स्ट पर आपको वन अब टेन हुआ है सेकेंड पर टू तो वन 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 टू वन थ्री वन फोर वन फाइव वन सिक्स सिक्स कंडीशन ये फर्स्ट पर टू आता है तो ये कंडीशन बन जाएगी आपके पास थ्री आता है तो ये कंडीशन बन जाएगी तो इस टाइप से आपके पास लास्ट होगा सिक्स कोमा सिक्स ठीक है तो सो टोटल आउटकम वेन डाइस थ्रोन देन देर विल बी थर्टी सिक्स कंडीशन यहां पर आप देखो तो सिक्स पावर एन ये कंडीशन यहां पर अप्लाई होती है एक डाइस अगर आपके पास है सिक्स पावर वन टू डाइस अगर आपके पास है six square means six into six. Total कितने हो जाएंगे आपके पास Thirty, six. Okay. And यहां पर देखिए कभी कभी ये आ जाता है आपके पास वेन अन अ कोइन इज थ्रोन थ्री टाइम्स एक कोइन को थ्री टाइम आप ट्रोस करते हो तो ये बिल्कुल बिहेव करेगा जस्ट लाइक थ्री कोइंस ठीक है तो ध्यान रखना वेन ये कंडीशन आपको गिवन हो इस टाइप से वेन अ कोइन इज

डायमंड uh, और नेक्स्ट होगा आपके पास हार्ट ठीक है मैंने यहां पर कुछ डिजाइन भी डाली हुई है ताकि इससे आपको क्या है कंफ्यूजन नहीं होगा आप देख सकते हो क्लब एंड स्पेड ये ब्लैक कार्ड्स होंगे ओके डायमंड एंड हार्ट जो है ये रेड कार्ड्स होते हैं नेक्स्ट वन ईच सूट कंटेन थर्टीन कार्ड्स हर सूट में नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे आपके पास थर्टीन ठीक है इसमें एक होगा आपके पास एस इक्का जिसे बोलते हैं नेक्स्ट कार्ड नंबर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन नेक्स्ट जे जेक क्वीन और किंग ठीक है इस टाइप से थर्टीन कार्ड्स होते हैं एक सूट में क्लियर है सो so आप देखिए थर्टीन ही क्लब में होंगे थर्टीन स्पेड में होंगे थर्टीन डायमंड में और थर्टीन आपके पास हार्ट में होंगे क्लियर है सो इफ यू टॉक अबाउट द ब्लैक कार्ड्स तो क्लब के थर्टीन एंड स्पेड के थर्टीन सो so अगर ब्लैक कार्ड्स की बात करें सो देर विल बी ट्वेंटी सिक्स कार्ड्स उट द रेड कार्ड सो देर विल बी ट्वेंटी सिक्स ऑल्सो फेस कार्ड फेस कार्ड जिन पर फेस बना हुआ होता है जैसे like, होते हैं जे क्वीन एंड किंग जिन पर फेस बना होता है ठीक है तो देखिए क्लब में भी थ्री होंगे स्पेड में भी यही थ्री होंगे डायमंड सब में थ्री थ्री सो टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे ट्वेल्व सो नंबर ऑफ फेस कार्ड विल बी ट्वेल्व इफ यू टॉक अबाउट द रेस्ट रेड फेस कार्ड तो सिक्स होंगे और अगर आपके पास ब्लैक फेस कार्ड तो कितने होंगे सिक्स एक आप देखिए अगर कोई कार्ड का नेम दे जस्ट लाइक किंग से अब एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं किंग इफ यू टॉक अबाउट द किंग किंग की बात करें सो देर विल बी फोर किंग्स क्वीन की बात करें तो क्वीन भी फोर होगा मतलब ईच एंड एवरी कार्ड इसके साथ ना कोई सूट का नेम एड किया है आपने ना ही आपने क्या किया है इसमें कलर एड किया है सो so वो फोर कार्ड एवरी कार्ड जो है वो फोर टाइप्स होते हैं ठीक है थीके? नेक्स्ट तो अगर आपने इसके साथ कलर एड कर दिया जस्ट लाइक रेड किंग तो रेड किंग कितने हो जाएंगे आपके पास टू क्लियर है सूट का नेम अगर आपने इसमें एड कर दिया जस्ट लाइक like आपने एड कर दिया किंग ऑफ हार्ट सो ये फेवरेबल इसमें वन हो जाएगा ठीक है तो कार्ड से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो टोटल तो, 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 तो आपके पास 52 होंगे और ये मैंने आपके पास कार्ड का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया नेक्स्ट वन देखिए लीप ईयर ओके okay? लीप ईयर लीप ईयर ईयर इन विच फ़रवरी कंटेन्स ट्वेंटी नाइन डेज ओके सो ट्वेंटी डेज होते हैं इसमें सो नंबर ऑफ टोटल डेज जो है थ्री सिक्सटी सिक्स होंगे थ्री सिक्सटी सिक्स को अगर आप वीक में ब्रेक करते हो सेवन से आप डिवाइड करते हो तो फिफ्टी टू वीक आपके पास कंप्लीट होंगे और टू डेज आपके पास एक्स्ट्रा रिमेन रहेंगे क्लियर है सो फिफ्टी टू वीक्स एंड टू डेज अब नेक्स्ट देखिए टू डेज आपके पास जो क्वेश्चन पुटअप होगा इसी पर बेस्ड होगा लिपियर एंड नॉन लिपियर का टोटल आउटकम क्या होंगे के से जो डेज है आपके पास वो क्या हो सकते हैं मंडे ट्यूजडे वन कंडीशन ट्यूजडे वेडनर्सडे सेकेंड कंडीशन वेडनर्सडे थर्सडे थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे सैटरडे संडे और लास्ट संडे मंडे सो टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे सेवन तो इस कंडीशन में आपके पास फेवरेबल आउट टोटल आउटकम सेवन हो जाएगी अब इस पर दो ही क्वेश्चन अप होते हैं आपके पास ठीक है फाइन द प्रोबेबिलिटी इन अ लीप ईयर फिफ्टी टू संडे या फिर फिफ्टी थ्री संडे क्लियर है फिफ्टी टू संडे अगर आपको चाहिए तो आप इन कंडीशन में से टोटल तो आपके पास फेवरेबल सेवन uh, होगा फिफ्टी टू चाहिए तो फिफ्टी टू वीक्स है सो ऑब्वियसली यहां पर 52 संडे तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है ओके okay? सो so, ये टू डेज है ये आपके नंबर ऑफ संडे को अफेक्ट नहीं करने चाहिए सो so, इस कंडीशन में आप उन कंडीशन को यहां पर लेफ्ट कर दोगे जिनमें क्या होगा संडे होगा तो इन दोनों कंडीशन को आप लेफ्ट कर दोगे सो योर आंसर विल याइव बाई सेवन किसके लिए गेटिंग फिफ्टी टू संडे इफ यू वॉन्ट फिफ्टी थ्री संडे तो फिफ्टी थ्री संडे के लिए आप देखिए फिफ्टी टू संडे ऑलरेडी ऑलरेडी अवेलेबल है 53 चाहिए तो आपको वन संडे और चाहिए तो इनमें से उसको आप इंक्लूड करोगे जिसमें क्या होगा बिट कंटेन संडे सो वन एंड टू सो इस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा टू बाई सेवन दो ही क्वेश्चन होंगे यहां पर नेक्स्ट वन देखिए नॉन लिपियर नॉन लिपियर ऑर्डिनरी ईयर या फिर यू कैन से इट जस्ट लाइक अ जनरल ईयर क्लियर है जनरल ईयर सो थ्री सिक्सटी फाइव डेज होंगे फिफ्टी टू वीक्स होंगे और वनडे एक्स्ट्रा तो डे क्या हो सकता है मंडे ट्यूजडे वेडनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे सो इन दिस कंडीशन द टोटल आउटकम विल बी ऑल्सो सेवन क्लियर है यहाँ पर भी दो ही क्वेश्चन होंगे Sunday आपको चाहिए तो संडे को आप लीव कर दोगे यहाँ से सो योर आंसर विल बी सिक्स बाई सेवन क्लियर है यहां पर आपको अगर सपोजिए फिफ्टी थ्री संडे चाहिए तो फिफ्टी टू ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास वन संडे तो एक केवल ये कंडीशन आपको क्या देगी ट्रू देगी तो इस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा

गिवन uh, है आपके पास पी ऑफ ई दैट इज जीरो पॉइंट जीरो फाइव ओके एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो पी ऑफ ई बार ये आपको फाइंड करना क्लियर है सो यू कैन राइट लाइक दिस वी नो दैट

इसमें आपके पास टोटल आउटकम कितने होंगे या फिर नेक्स्ट पेज पे लेते हैं फाइव वाइट बोले आपके पास फोर रेड और थ्री ग्रीन देखिए बेग से रिलेटेड क्वेश्चन है ओके सो टोटल आउटकम आपके पास होंगे प्लस कर सकते हो आप फाइव प्लस फोर नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व ठीक है टोटल कितने हो जाएंगे ट्वेल्व आप लिख सकते हो फाइव आपके साथ पास वाइट बॉल है फोर आपके पास रेड बॉल है और थ्री आपके पास ग्रीन बॉल है क्लियर है ये आपके पास है देखिए फाइव फोर और थ्री अब बॉल इज ड्रोन एट रैंडम एक बॉल आपने वहां से निकाली है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या है रेड बॉल क्लियर है फर्स्ट so, पॉलिटी आपके पास होगी रेड बोल ओके तो यहां पर देखिए फर्स्ट यहां पर आप इवेंट लिख सकते हो लेट इवेंट ई लेट इवेंट ई इसमें आपको चाहिए रेड बॉल आपको चाहिए ठीक है देखिए रेड बॉल चाहिए गेटिंग रेड बॉल ओके सो रेड बॉल आप देख सकते हो रेड बॉल आपके पास फोर है सो so आपके पास जो फेवरेबल है सो so फेवरेबल आउटकम जो है वो आपके पास कितने हो जाएंगे फोर ओके okay? सो so, आप यहां पर प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर सकते हो सो प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ओके यहां पर आप फॉर्मुला लिख दोगे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम फेवरेबल देख सकते हो आप फोर है और डिवाइड बाय नाइन ओके अगर आप इसको सिंपलेस्ट uh, फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए अदरवाइज यही आपका आंसर है ठीक है सेकंड में आपको क्या चाहिए सेकंड आप देख सकते हो यहां सेकंड में क्या चाहिए आपको अ ग्रीन बॉल ग्रीन बॉल आपको चाहिए ओके तो प्रॉवर्टी ऑफ ग्रीन बॉल प्रोबेबिलिटी किसके लिए ग्रीन बॉल के लिए आप देखिए ग्रीन बॉल्स कितनी है यहां पर आपके पास ग्रीन बॉल है आपके पास थ्री सो so ये हो जाएगा फेवरेबल थ्री अपॉन नाइन सो दैट विल बी ओके सेम कंडीशन थर्ड में लिखा था आपके पास द बॉल दैट इज नॉट ग्रीन जो ग्रीन नहीं है आपके पास ओके सो थर्ड के लिए कंडीशन आपके पास हो जाएगी प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट ग्रीन ओके ग्रीन बॉल आपके पास नॉट ग्रीन तो ग्रीन इसको आप लीव कर दोगे इन दोनों को आप प्लस कर लीजिए फाइव प्लस फोर नाइन सॉरी यहां पर देखिए फेवरेबल आपके पास यहां पर यह ट्वेल्व है सो फोर बाय ट्वेल्व इसका आंसर आपके पास हो जाएगा वन बाई थ्री क्लियर है ये हो जाएगा आपके पास यहां पर देखिए ग्रीन बॉल आपको चाहिए तो ग्रीन आपके पास कितना है थ्री सो थ्री बाई ट्वेल्व हो जाएगा यहां पर ओके सो so ये हो जाएगा आपके पास वन बाई फोर ओके नोट ग्रीन ग्रीन नहीं चाहिए आपको सो फाइव प्लस फोर ये हो जाएगा आपके पास नाइन अपॉन ट्वेल्व क्लियर है सो so ये हो जाएगा आपके पास थ्री बाई फोर क्लियर है तो ये क्वेश्चन इस टाइप से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो देखिए अ डाइस इज थ्रोन एक डाइस को आपने थ्रो किया है फाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ठीक है देखिए एक डाइस से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है डाइस एक सिंगल डाइस है अब देखिए अभी मैंने आपको टोटल आउटकम में समझाया था एक सिंगल अगर डाइस आपके पास है सो टोटल आउटकम देर विल बी सिक्स क्लियर है सो so, डाइस को देख के आप बोल सकते हो यहां पर टोटल आउटकम टोटल आउटकम देयर विल भी सिक्स क्यों आ, कौन कौन से होंगे वो भी आप लिख सकते हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये सिक्स होंगे आपके पास फर्स्ट देखिए गेटिंग अ प्राइम नंबर क्लियर है सो so, यहां पर आप लिख सकते हो लेट इवेंट ईवेंट ई क्या चाहिए आपको प्राइम नंबर क्लियर है गेटिंग अ प्राइम नंबर गेटिंग अ प्राइम नंबर अब यहां पर आप देख सकते हो प्राइम नंबर ये जो टोटल आउटकम है इसमें प्राइम नंबर आपके पास है टू थ्री एंड फाइव ये थ्री प्राइम नंबर है आपके पास सो so, फेवरेबल में आपके पास ये हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम क्या ची आ, कौन कौन से हैं टू थ्री एंड फाइव टू थ्री फाइव क्लियर है कितने थ्री ओके सो प्रोबेबिलिटी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई ओके फेवरेबल अपॉन टोटल फॉर्मूला आपको नोट करना है ओके okay? फेवरेबल कितने होंगे बाई और कितने सो आंसर विल बी क्लियर इसका आंसर कितना हो जाएगा नेक्स्ट वन है आपके पास अ प्राइम नंबर लाइंग बिटवीन टू एंड सिक्स ओके प्राइम नंबर आपको चाहिए लेकिन टू एंड सिक्स के बीच में तो टू एंड सिक्स की बात करें तो यहां पर कितने प्राइम नंबर से ओनली टू प्राइम नंबर हैं क्लियर तो इसके लिए सेकेंड वन हो जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी, प्राइम नंबर लाइंग बिटवीन टू एंड सिक्स क्लियर है टू एंड सिक्स के बीच अगर कर बात करें सो थ्री एंड फाइव यही प्राइम नंबर होंगे आपके पास सो so कितने होंगे टू टू बाई सिक्स आंसर आ जाएगा आपके पास इसका वन बाई थ्री ओके नेक्स्ट में देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा है एन ओड नंबर अब ओड नंबर आप देख सकते वन थ्री फाइव यही ओड नंबर होंगे आपके पास क्लियर है सो so, देखिए यहां पर ये आपके पास ओड नंबर होंगे तो थर्ड आप लिख सकते हो यहां पर प्लेट इवेंट ई क्या चाहिए यहां पर आपको ओड नंबर गेटिंग ओड नंबर ओके तो ओड नंबर आपके पास क्या होंगे वन थ्री फाइव फेवरेबल आउटकम वन थ्री फाइव कितने आपके पास थ्री है सो so, यहां से आप अप्लाई कर सकते हो सो प्रोबेबिलिटी सो प्रोबेबिलिटी पी ई जो है फेवरेबल कितने होंगे थ्री और टोटल आपके पास कितने जाएंगे सिक्स सो इट विल बी वन बाई टू ओके क्लियर टू ऑल ऑफ यू नेक्स्ट देखते हैं वन टिकट इज ड्रॉन एक टिकट आपने निकाला है फ्रॉम अ बेग कंटेनिंग टिकट नंबर वन टू फोर्टी वन से लेकर फोर्टी तक के नंबर डले हुए हैं टिकेट पर उसमें से आपने एक टिकट वहां से पिक किया है देन फाइंड द पोल्टी देर द सेलेक्टेड आइटम ये सॉरी सेलेक्टेड टिकट इज अंबर अंबर विच इज मल्टीपल ऑफ फाइव ठीक है आपके पास एक बैग है बैग में फोर्टी टिकट रखे हुए हैं उन पर नंबर डाले हुए हैं वन टू फोर्टी ओके एंड यू हैव टू पिक वन नंबर वन टिकट, ओके पिक्ड नंबर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ फाइव क्लियर है सो so यहां पर आप देखिए टिकट से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है टोटल आउटकम यहां पर देख सकते हो आप टोटल आउटकम कितने होंगे फोर्टी ठीक है बिकॉज वहां पर आपके पास नंबर डले हुए हैं कहां से लेकर के वन टू फोर्टी ओके इवेंट आपके पास क्या है गेटिंग अ नंबर या मल्टीपल ऑफ फाइव क्लियर है यहां पर आप इसको इवेंट में लिख सकते हो लेट इवेंट ई ओके तो यहां पर गेटिंग मल्टीपल ऑफ फाइव मल्टीपल ऑफ फाइव फाइव का आपको क्या चाहिए मल्टीपल चाहिए ओके सो फेवरेबल क्या होंगे आपके पास देखिए वन से आप फोर्टी तक मूव करिए और फाइव के मल्टीपल्स क्या होंगे फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी फाइव और फोर्टी ओके okay? ये एट नंबर जो होंगे दैट विल बी फेवरेबल ओके सो इसके लिए आपके पास प्रोबेबिलिटी आप लिख सकते हो सो प्रोबेबिलिटी सो प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई दैट इज फेवरेबल अपॉन टोटल ओके आपको कंप्लीट uh, फॉर्मूला लिखना है फेवरेबल आपके पास एट होंगे एट बाई फोर्टी आप इसको कट कर सकते वन बाई फाइव क्लियर है कितने हो जाएंगे आपके पास वन बाई फाइव ठीक है आई होप इट इज क्लियर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नंबर नेक्स्ट वन मूव करते हैं अलॉट ऑफ ट्वेंटी बल्ब ट्वेंटी बल्ब है ओके कंटेन फोर डिफेक्टिव वंस ओके ट्वेंटी जिसमें फोर डिफेक्टिव है इसका मीनिंग सिक्सटीन नॉन डिफेक्टिव है आपके पास वन बल्ब इज ड्रोन एक बल्ब आपने वहां से ड्रोन किया है एट रैंडम फ्रॉम द लॉट वॉट इज द प्रोर्टी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव ओके आपको प्रोअी बताने की ये जो बल्ब है दैट इज डिफेक्टिव क्लियर है सो so, देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव में आपके पास लिखा हुआ है बल्ब से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है टोटल आउटकम आप देख सकते हो यहां पर टोटल आउटकम दैट विल बी ट्वेंटी ओके ट्वेंटी में आप देख सकते हो फोर डिफेक्टिव है आपके पास फोर डिफेक्टिव है सो so सिक्सटीन जो है वो क्या होंगे गुड होंगे या नॉन डिफेक्टिव होंगे ओके नेक्स्ट ऑन डिफेक्टिव एक बल्ब आपने वहां से पिक किया और उसके डिफेक्टिव होने की प्रॉबर्टी आपको फाइंड करनी ओके लेट इवेंटी लेट इवेंट ई ओके क्या चाहिए आपको गेटिंग डिफेक्टिव गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब आपको डिफेक्टिव बल्ब अब डिफेक्टिव कितने फोर हैं सो आपके पास जो फेवरेबल आउटकम होंगे वो कितने हो जाएंगे यहां पर फोर ओके okay? तो यहां पर आप प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर सकते हो प्रोबेबिलिटी बी फेवरेबल अपॉन टोटल ओके फोर बाई ट्वेंटी दैट विल बी वन बाई फाइव ओके डिफेक्टिव बल्ब अगर आपको निकालना है तो इसकी प्रॉबर्टी कितनी होगी आपके पास वन बाई फाइव होगी क्लियर है देखिए यहां पर तो यह हो गया आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट मीन्स जो फर्स्ट में आपने बल्ब ड्रो किया है दैट इज नॉन डिफेक्टिव वो डिफेक्टिव नहीं है डिफेक्टिव नहीं है इसका मतलब है कि वो अच्छी क्वालिटी वाला है गुड बल्ब है एंड इज नॉट रिप्लेस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस वन ओके ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपने उसको रिप्लेस नहीं किया means वो बाहर ही है Clear है अभी क्लियर सो टोटल ट्वेंटी थे ट्वेंटी में से अब बल्ब कितने रहेगा आपके पास नाइनटीन गए नॉट डिफेक्टिव मतलब गुड बल्ब जो है वो बाहर निकला है गुड कितने थे वहां पर सिक्सटीन थे अब फिफ्टीन गए ठीक है तो यहां पर आप देखो सेकेंड कंडीशन के लिए अगर आप देखें तो अब इस कंडीशन में आपके पास जो टोटल होंगे वो कितने हो जाएंगे फोर आपके पास डिफेक्टिव एज इज है ओके और ये कितने रह जाएंगे फिफ्टीन रह जाएंगे कौन से गुड वन ओके मीन्स टोटल आपके पास कितने रह जाएंगे नाइनटीन रह जाएंगे ओके okay? अब देखिए क्वेश्चन क्या है नाउ वन बल्ब इज डोन अब आप इसमें से वन बल्ब डोन कर रहे हो एट रेंडम फ्रॉम द रेस्ट जो बाकी जो बचा है उसमें से वॉट इज द प्रोल्टी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव अब आपको बताना है कि जो बल्ब है वो नॉट डिफेक्टिव है ओके okay? सो so, इसके लिए क्या कंडीशन हो जाएगी आपके पास प्रॉबेबिलिटी अब निकालनी आपको नॉट डिफेक्टिव नॉट डिफेक्टिव या आप इसको बोल सकते हो गुड तो कितने हैं अब आपके पास 15 है और टोटल चेंज हो जाएगा यहां पर सो so, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास फिफ्टीन डिवाइड बाई नाइनटीन ओके सो आई होप इट इज क्लियर देखिए एक कार्ड आपने किया है है. ठीक फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डायमंड देखिए, यहां पर मैंने भी समझा आपको कार्ड का रिलेट कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है टोटल टोटल कम, आपके पास कितने होंगे फिफ्टी टू ओके सो देखिए प्ले कार्ड रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है प्ले कार्ड्स ओके सो यहां पर आपके पास जो फेवरे टोटल आउटकम होंगे टोटल आउटकम जो होंगे वो कितने होंगे आपके पास फिफ्टी टू ये होंगे आपके पास कितने फिफ्टी टू क्लियर है नेक्स्ट देखिए कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी अ डायमंड ठीक है देखिए अब फर्स्ट आपके पास है प्रोलिटी ऑफ डायमंड एक लिख देता हूं मैं इस टाइप से लेट इवेंट ओके इवेंट में आपको क्या चाहिए डायमंड अब देखिए डायमंड जो है मैं आपको समझा चुका हूं डायमंड एक सूट होता है और इस डायमंड में नंबर ऑफ कार्ड्स जो है वो 13 होते हैं आपके पास क्लियर है मैंने बता दिया आपको सो so इसके लिए जो फेवरेबल आउटकम होंगे वो कितने हो जाएंगे थर्टीन सो यहां पर फेवरेबल आउटकम आपके पास होंगे थर्टीन ओके तो जैसे आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे इसकी जैसे आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल फेवरेबल आपके पास थर्टीन है एंड टोटल फिफ्टी टू सो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास वन बाई फोर क्लियर ये आपके पास आंसर आ जाएगा सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करें यहां पर सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या चाहिए एन एक इक्का चाहिए आपको ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक मैंने यहां बताया था आपको अगर किसी कार्ड का नाम लिए कार्ड के साथ कलर अप्लाई नहीं किया है कार्ड के साथ सूट का नेम अप्लाई नहीं किया है सो so, यहां पर फोर हर कार्ड जो है वो फोर टाइम होगा सो so, फेवरेबल इसमें फोर हो जाएंगे क्योंकि एक किस में होगा क्लब में होगा स्पेड में होगा डायमंड में होगा और हार्ट में होगा क्लियर है सो फोर बाय फिफ्टी टू आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे सो वन बाई थर्टीन थर्ड वन आप बात करें सो so, अब ब्लैक कार्ड आपको ब्लैक कार्ड चाहिए प्रॉलिटी फोर ब्लैक कार्ड तो ब्लैक कार्ड आपके पास होते हैं ट्वेंटी सिक्स बाई फिफ्टी टू इसका आंसर हो जाएगा वन बाई टू और फोर्थ वन आपके पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी नोट अ हार्ट प्रोबेबिलिटी नोट अ हार्ट हार्ट नहीं होना चाहिए आपके पास अब हार्ट नहीं होना चाहिए तो टोटल फिफ्टी टू कार्ड होंगे उनमें हार्ट कितने होंगे फोर होंगे तो फिफ्टी टू माइनस फोर आप कर सकते हो यहां पर टोटल 52 में से आप -4 कर दीजिए और टोटल आपके पास 52 होंगे सो so 48 by 52 इसको आप सोल्व करोगे सो इट विल बी 12 by 13 तो ये इसका कंप्लीट आंसर मिल जाएगा ओके okay? तो कार्ड का जो मैंने ओवर भी बताया वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए अच्छे से क्लियर है नेक्स्ट वन देखिए अ डाई इज थ्रोन एक डाइस आपने थ्रो किया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओके अगेन डाइस रिलेटेड क्वेश्चन आ गया प्राइम नंबर प्राइम नंबर का अभी निकाला था आपने कितना आता है प्राइम नंबर थ्री सो थ्री बाय सिक्स इसका आंसर हो जाएगा आपके पास कितना वन बाय टू मल्टीपल ऑफ टू और थ्री टू और थ्री के मल्टीपल्स सो टू और थ्री के मल्टीपल्स क्या होंगे आपके पास टू होंगे थ्री होगा फोर होगा टू का मल्टीपल्स होगा और सिक्स ये चार नंबर है सर या तो टू के मल्टीपल है और लिखा हुआ है ठीक है तो कितने हो गए फोर सो इसका आंसर हो जाएगा फोर बाई सिक्स ये हो जाएगा आपके पास टू बाई थ्री क्लियर है अ नंबर ग्रेटर देन थ्री थ्री से ग्रेटर नंबर आपको चाहिए तो थ्री से ग्रेटर होगा फोर फाइव और सिक्स सो इसमें फेवरेबल हो जाएंगे थ्री और टोटल हो जाएंगे सिक्स सो अगेन इसका आंसर हो जाएगा आपके पास वन बाई टू ओके सो डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है एक सिंगल डाइस है नेक्स्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है सेलेक्टेड और कितने 53 ट्यूसडे आपको चाहिए देखिए डे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बोले है आपका। okay? so, लीप से है जो मैंने आपको बताया वो एज इट इज आप यहां पर कॉपी कर दीजिए ईयर आपके पास है ईयर की बात करें सो देर आर थ्री सिक्सटी सिक्स डेज ओके देर आर फिफ्टी टू वीक्स एंड टू डेज एक्स्ट्रा ओके नेक्स्ट वन यहां पर बात करें टोटल आउटकम टोटल आउटकम सेवन होंगे कौन कौन से होंगे देखिए मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनसडे वेडनसडे थर्सडे 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 फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे सटरडे संडे एंड लास्ट विल बी संडे मंडे ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कंडीशन है यहां पर आपको क्या चाहिए फिफ्टी थ्री संडे चाहिए ओके तो लेट इवेंट ई इवेंट ई में आप डाल सकते हो इवेंट ई गेटिंग फिफ्टी थ्री संडे Uh, sorry, 53 Tuesday. ओके सो देखिए यहां पर आपके पास फेवरेबल में क्या आएगा 53 थ्री संडे अब देखिए 52 वीक है इसका मीन है फिफ्टी टू संडे ऑलरेडी अवेलेबल है 53 एक संडे की एक ट्यूसडे की और रिक्वायरमेंट है सो so, ट्यूसडे वाली कंडीशन को एक ट्यूसडे अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो यहाँ पर आपके पास एक ट्यूसडे तो 52 टू प्लस वन 53 हो जाएंगे ये नहीं मिला तो इससे काम चल जाएगा आपको आगे ट्यूसडे है, है ही नहीं, नहीं तो ये दो कंडीशन ऐसे होंगी जो आपको ट्यूसडे देगी तो ये दो कंडीशन आपके पास फेवरेबल में आएगी मंडे ट्यूसडे या फिर ट्यूसडे और वेडनजडे ओके सो फेवरेबल ही हो गया सो so इसका जो प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ ई आपके पास फेवरेबल अपॉन टोटल तो ये हो जाएगा टू बाई सेवन कितना आंसर हो जाएगा इसका टू बाई सेवन नेक्स्ट वन है डाई इज ड्रॉप्ड एक डाई आपने ड्रॉप किया है एट अ रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन ठीक है एक डाई को आप ड्रॉ कर रहे हो इसमें ए शोन इन द फिगर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल किसके अंदर गिरेगा ये सर्कल के अंदर गिरेगा ठीक है तो सर्कल के अंदर मीन्स ये जो बाउंड्री है आपके पास ये जो बाउंड्री है ये आपके पास क्या हो जाएगा ये फेवरेबल हो जाएगा आपके पास ठीक है और ये जो बाउंड्री है आपके पास बाहर वाला ये कंप्लीट सॉरी जो टोटल है ये जो बाहर कंप्लीट वाला पार्ट है ये आपके पास क्या हो जाएगा आ, फेवरे टोटल हो जाएगा ठीक है तो अगर यहां पर बात करें टोटल के लिए अगर यहां बात करें अपन टोटल के लिए तो टोटल जो आउटकम होगा या टोटल जो होगा वो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो ये हो जाएगा आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रीथ तो ये हो जाएगा आपके पास थ्री इंटू टू मीन सिक्स मीटर स्क्वायर ये टोटल हो जाएगा फेवरेबल की अगर बात करें यहां पर फेवरेबल आपके पास कार जो रीजन है वो क्या है लेंथ इनसाइड द सर्कल सो ये हो जाएगा डायमीटर इसका वन है ध्यान दो डायमीटर वन है डायमीटर वन दे रखा है आपको So, इसका रेडियस जो है वो कितना हो जाएगा हाफ मीटर ओके सो इसका एरिया निकालोगे आप तो एरिया ऑफ सर्कल ओके एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर आर कितना आपके पास वन बाय टू होल स्क्वायर सो ये हो जाएगा पाई अपॉन फोर ठीक है ये आ जाएगा अब आपको क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी चाहिए तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी होगी वही सेम फेवरेबल अपॉन टोटल फेवरेबल आपके पास कितना है पाई बाय फोर ओके डिवाइड बाय सिक्स इसका आप रेसिप्रोकल करोगे सो पाई बाय सिक्स फोर इंटू वन बाय सिक्स इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा पाई बाय ट्वेंटी फोर ओके सो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा नेक्स्ट वन देखते हैं द प्रोवर्टी ऑफ सेलेक्टिंग अ रेड बॉल एक रेड बॉल की प्रॉवर्टी आपके पास दे रखी है जार में दैट दंटेन्स ओनली रेड ब्लू ऑरेंज बॉल ठीक है एक जार है उसमें रेड ऑरेंज और ब्लू बॉल है तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड दे रखा है यहां पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड दे रखा है कितना वन बाय फोर ओके नेक्स्ट वन आपको दे रखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू बॉल प्रॉरिटी ऑफ ब्लू बॉल आपको दे रखा है कितना वन बाई थ्री ओके इफ द जार कंटेन टेन ऑरेंज बॉल्स तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द जार जार में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है ठीक तो है तो पहले आप इसकी हेल्प से देखिए ऑरेंज बॉल की प्रॉवर्टी निकालोगे फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां पर पी ऑफ ऑरेंज ठीक है और फिर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बतानी है तो प्रॉवर्टी ऑफ ऑरेंज अगर आपको निकालना है तो आप ये सोल्व कर सकते हो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स इसको सोल्व करिए वन माइनस वन बाई फोर माइनस वन बाई थ्री एलसीएम लेते हो आप इसका सो इट विल बी ट्वेल्व ओके वन माइनस आप इसको सोल्व करोगे सो इट विल बी ट्वेल्व माइनस थ्री ओके फोर थ्री जा एंड थ्री फोर जाट विवन ओके सो इसका जो आंसर है पी ऑफ ओ वो हो जाएगा आपके पास फाइव बाई क्लियर है अब देखिए यहां एक आप सोल्व कर सकते हो कि ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो ऑरेंज बॉल्स कितनी है तो ऑरेंज बॉल आपके पास टेन्स से क्लियर है और ये फाइंड कर सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है एक्स अज्यूम कर सकते हो यहाँ पर ठीक है तो ये हो जाएगा आपके पास फाइव बाई ट्वेल्व ओके एक्स अज्यूम कर लिया मैंने यहां पर इसको ये एक्स है सोल्व आप करोगे इसे सो देखिए ट्वेल्व इंटू टेन वन ट्वेंटी और फाइव So, x जो है वो आपके पास 120 डिवाइड बाई 5 हो जाएंगे 120 डिवाइड बाई 5 सो so, x आ जाएंगे आपके पास कितनी बॉल्स होगी 24 बॉल्स होगी उसमें क्लियर है टोटल बॉल्स जो है वो 24 होगी यहां पर अज्यूम कर लेंगे लेट टोटल बॉल्स इन द जार आर x नेक्स्ट लेते हैं थ्री डिफरेंट कॉइन से तीन डिफरेंट कॉइन से उनको आप टॉस कर रहे हो फाइंड द probability ऑफ गेटिंग एक्जेक्टली टू हेड्स एट लिस्ट टू हेड्स और एट लिस्ट टू tails. ठीक है तो यहां पर देखिए किससे रिलेटेड थ्री कॉइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है यहां पर थ्री डिफरेंट तो पर आप इसको देख सकते हो थ्री कॉइंस आपके पास हैं. ओके सो यहां पर टोटल जो आउटकम है आपके पास टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे एट क्लियर है एट हो जाएंगे कौन कौन से हो जाएंगे थोड़ा वो भी आप लिख लीजिए यहां पर तो वो हो जाएंगे आपके पास एच टी एच टी एच टी एच टी ओके अगेन टू डू के गेप में टू एच टू टी टू एच टू टी यहां से हो जाएंगे और यहां पर हो जाएंगे फोर एच फोर टी क्लियर है सो so, ये एट कंडीशन आपके पास यहां पर होगी ठीक है अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है एग्जैक्टली टू हेड्स आपको चाहिए यहां पर सो प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जैक्टली टू हेड्स तो टू हेड्स के लिए आप देखिए यहां पर कंडीशन वन देखिए वन वन टू और थ्री ये थ्री कंडीशन है जो एग्जैक्टली exactly कितनी है आपके पास थ्री टू हेड दे रही है सो थ्री बाई एट ये आंसर हो जाएगा आपके पास ठीक है सेकेंड बात करें अगर एट लिस्ट टू हेड्स आपको एट लिस्ट टू हेड्स ही यहां पर प्रोबेबिलिटी एट लिस्ट सॉरी एटलीस्ट टू हेड का मतलब है टू हेड भी होंगे वहां पर और मोर देन टू हेड्स भी तो ये थ्री कंडीशन तो आएगी सही और मोर देन टू मतलब थ्री हेड्स भी आपको क्या करना है इसमें इंक्लूड करना है तो फोर कंडीशन हो जाएगी आपके पास सो तो इसका आंसर आ जाएगा four by eight means one by two, आपके पास इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा नेक्स्ट यहां पर एटलिस्ट टू टेल आपको चाहिए थर्ड कंडीशन प्रोबेबिलिटी एट लिस्ट टू हेड्स ओके एट लिस्ट मतलब कम से कम टू हेड सॉरी एट लिस्ट टू टेल्स सॉरी यहां पर आपको क्या चाहिए एट लिस्ट टू टेल्स चाहिए ओके तो यहां पर देखिए देखिए एट लिस्ट टू टेल मीन्स उसको तो आप इंक्लूड करोगे इसी जिसमें टू टेल है वन टू थ्री ठीक है कम से कम टू टेन मतलब मैक्सिमम टू टू से मोर भी हो सकते हैं तो फोर कंट फोर यहां पर होंगे सो so इसका जो आंसर हो जाएगा आपके पास फोर बाई एट मीन्स आपके पास टोटल आंसर कितना हो वन बाई टू हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं टू डिफरेंट डाइस है दो डिफरेंट डाइस है आपके पास थ्रो टूगेदर उनको आपने थ्रो किया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपटेन सम अब देखिए टू डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास टू डाइस से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है टू डाइस ओके सो देखिए यहां पर टोटल आउटकम आपके पास कितने हो जाएंगे थर्टी सिक्स टोटल जो आउटकम है वो आपके पास कितने हो जाएंगे थर्टी सिक्स हो जाएंगे आपके पास इसके टोटल आउटकम्स अब देखिए आप यहां पर पहला क्या चाहिए आपको इवन सम चाहिए इसका ठीक है इवन सम के लिए क्या क्या कंडीशन होगी देखिए इवन सम आपको चाहिए सो इसके फेवरेबल में कौन कौन आएंगे सम सम इवन इवन कब होगा देखिए होने के लिए दो नंबर जिनका आप सम कर रहे हैं, वो दोनों या तो ओड होने चाहिए या फिर दोनों क्या होने चाहिए इवन होने चाहिए तो जितने भी कंडीशन अब देखिए कौन कौन सी कंडीशन फॉर्म होती है यहां से लेते हैं वन है तो वन के साथ आ, दूसरे पर भी कितना आना चाहिए वन आना चाहिए तो वन वन दोनों ये हो जाएंगे वन थ्री वन फाइव ठीक है अगेन आप यहां से देख सकते हो टू के साथ तो और, इवन चाहिए चाहिए आपको two two, two four, two six, Next आपको ठीक है अगर आप थ्री से देखना चाहो तो थ्री थ्री सॉरी थ्री वन हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास थ्री वन थ्री 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 फाइव ओके फोर से आप चेक करना चाहो तो फोर इवन है तो दूसरा भी इवन होना चाहिए फोर टू फोर 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 सिक्स ठीक है फाइव से चेक करना चाहो फाइव वन फाइव थ्री फाइव फाइव सिक्स से चेक करना चाहो सिक्स टू सिक्स फोर और सिक्स सिक्स ठीक है आप काउंट कर सकते हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और नाइन एटीन कंडीशन होगी ठीक है तो इसकी जो प्रॉबर्टी होगी आपके पास प्रॉबर्टी ऑफ Even sum. Even sum की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपके पास टोटल कितना आएगा आपके पास टू वन बाई टू क्लियर है नेक्स्ट अगर आपको चाहिए इवन प्रोडक्ट इवन प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए तो देखिए सेकंड कंडीशन के लिए आपको क्या चाहिए इवन प्रोडक्ट चाहिए अब इवन नंबर चाहिए आपको प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल आप जब उनको करो तो मल्टीपल प्रोडक्ट इवन कब होगा जब दो या तो दोनों कंडीशन आपके पास इवन हो या दोनों में से एक कंडीशन आपके पास इवन हो एक नंबर ठीक है तो एक नंबर इवन भी चलेगा सो में आपके पास फेवरेबल हो जाएंगे देखिए वन के साथ अगर लेते हो तो इवन वाले होंगे वन टू वन फोर वन सिक्स टू ओड है तो ओड के साथ इवन है तो सब चलेंगे इसके साथ टू वन टू 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 थ्री टू फोर टू फाइव टू सिक्स ठीक है ये कंप्लीट आपके पास नेक्स्ट ऐसे थ्री के साथ देखें थ्री ओर है तो इसके साथ इवन वाले होंगे थ्री टू थ्री फोर थ्री सिक्स फोर इवन है सब चलेंगे इसके साथ फोर वन फोर टू फोर थ्री फोर 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 फाइव और फोर सिक्स ठीक है नेक्स्ट वन आप देखो फाइव के लिए फाइव और है ओनली इवन वाले नंबर होंगे फाइव टू फाइव टू फाइव फोर फाइव सिक्स सिक्स इवन है सब चलेंगे इसके साथ सिक्स वन सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर सिक्स फाइव और सिक्स सिक्स तो इस टाइप से आप इसको काउंट कर सकते 27 हो टोटल ट्वेंटी सेवन कंडीशन होगी तो इसके लिए जो प्रॉब्रिटी होगी आपके पास प्रोडक्ट की वो हो जाएंगे ट्वेंटी सेवन डिवाइड बाई थर्टी सिक्स ठीक है तो ये हो जाएगा थ्री बाई फोर आंसर ओके सो ये कुछ क्वेश्चन थे ओके सो so, जो अपन ने कर लिए कंप्लीट आई होप आपको क्लियर होंगे समझ में आए होंगे आपको सभी को ओके स्टूडेंट्स थैंक यू